विजया बाजीराव की मस्तानी का छोड़ा हुआ रोल सांवरिया की आलिया को है मिला। क्या संजय लीला भंसाली ने आलिया से पहले मस्तानी को गंगूबाई बनने का ऑफर था दिया? आखिर क्यों दीपिका ने ठुकराया था फेवरेट डायरेक्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करने का ऑफर? साहिबान मेहरबान, मिस ढिंचैक सुनाने जा रही हैं गंगूबाई काठियावाड़ी में फिट हुई आलिया की कास्टिंग के पीछे छिपे हिडन ट्रूथ की शॉकिंग दास्तान। एज वी ऑल नो, संजय लीला भंसाली के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगूबाई काठियावाड़ी में पटाखा गुडी लीड रोल प्ले कर रही हैं। इंशाल्लाह को डिब्बा बंद करने के बाद भंसाली ने आलिया को ये फिल्म बतौर नजराना दी है। फिल्म से आलिया के दो डिफरेंट लुक्स भी हो चुके हैं आउट। आलू के एक्टिंग टैलेंट पर डायरेक्टर भंसाली को नहीं है जरा भी डाउट। गंगूबाई काठियावाड़ी के रोल को आलिया के लिए बिग चैलेंज माना जा रहा है। कमाठीपुरा की फेमस लेडी डॉन की लाइफ पर बन रही इस फिल्म के लिए आलिया को नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है, कहा तो ये भी जा रहा है। लेकिन 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 मिस ढिंचैक अब सुनाने जा रही हैं वो धमाकेदार खबर जिसे सुनकर राजी गर्ल भी खा जाएंगी चक्कर। अकॉर्डिंग टू मिस ढिंचैक, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए पटाखा गुड्डी संजय लीला भंसाली की पहली पसंद नहीं थी। मिस भट्ट से पहले एसएलबी ने अपनी ये फिल्म महारानी पद्मावती को ऑफर की थी। शॉकिंग है लेकिन सच है। जैसा कि सब जानते हैं कि संजय लीला भंसाली दीपिका के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के बाद भंसाली एक बार फिर मिसेस सिंह के साथ जोड़ी जमाना चाहते थे। इस बार डायरेक्टर साहब दीपिका को कमाठीपुरा की लेडी डॉन गंगूबाई बनाना चाहते थे। बट अफसोस, संजय लीला भंसाली के इस एक्सपेरिमेंटल फिल्म को दीपिका चाहकर भी नहीं कर पाई। फिल्म की कहानी पसंद आने के बाद भी मिसेस सिंह ने अपने फेवरेट डायरेक्टर की फिल्म दी थी ठुकराई। तेज तरार गॉसिप क्वीन के मुताबिक दीपिका के पास उस वक्त ऑलरेडी विशाल भारद्वाज की फिल्म सपना दीदी का ऑफर था, जिसमें दीपिका का रोल भी लेडी डॉन का ही था। ऐसे में दीपिका को बैक टू बैक दो फिल्मों में लेडी गैंगस्टर का रोल प्ले करना सही नहीं लगा, जिसके बाद मिसेस सिंह ने गंगूबाई काठियावाड़ी का ऑफर ठुकरा दिया। इसी बीच इंशाल्लाह का भी डिब्बा बंद हो गया और गंगूबाई का चैलेंजिंग रोल सांवरिया की आलिया के पास आ गया। वैसे कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। दीपिका की ना की वजह से जहां आलिया का सपना हो रहा है साकार, वहीं दीपिका मैडम रह गई हैं खाली हाथ। विशाल भारद्वाज की सपना दीदी बनने के चक्कर में दीपिका ने गंगूबाई की कुर्बानी दी थी। बट अफसोस, फिल्म शुरू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चली गयी। वेल, दीपिका का नुकसान आलिया भट्ट के लिए साबित हुआ मुनाफे का सौदा। ना दीपिका गंगूबाई को ठुकराती और ना ही आलिया को मिलता अपने फेवरेट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करने का सुनहरा मौका। बट वी आर वेरी श्योर कि अपने इस फैसले पर मिसेस सिंह को अफसोस तो जरूर होता होगा।